इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी बेहतरीन कानून व्यवस्था के दावे करती रहती है। पहले की सरकारों को खराब और लचर कानून व्यवस्था को लेकर पानी पी पी कर कोसती रहती है, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करती है। उसी उत्तर प्रदेश में दो नकाबपोश बदमाश बेखौफ अंदाज में पहले फायरिंग करते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं। जी हाँ, हैरान कर देने वाली ये खबर उन्नाव से आई है, जहां सूफी इस्लामिक बोर्ड के महासचिव हसनैन वाकई पर नकाबपोश हमलावरों ने राउंड फायरिंग कर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दिखता है कि दो बदमाश सफेद रंग की गाड़ी से उतरते हैं। दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं और वो ठीक उनके सामने खड़ी गाड़ी के करीब जाकर गोली चलाते हैं और फिर बड़ी तेजी के साथ भाग निकलते हैं, जिसके बाद हसनैन ने किसी तरीके से गैराज में पहुंचकर अपनी जान बचाई। आइए आपको बताते हैं कि जिन पर हमला हुआ है वो हसनैन वाकई की दूसरी पहचान क्या है। दरअसल वो उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के सफीपुर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि कट्टरपंथी सोच रखने वालों ने उनके ऊपर यह हमला करवाया है। मामला जो है वो काफी दिनों पुराना है। जिस तरीके से सफीपुर में अराजकता, धार्मिक द्वेष जिस तरीके से फैलाया जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा है कि आज हम पर गोली चल रही है। ये सफीपुर में एक चेयरमैन है जिनका नाम है नसीम अहमद, उन्हीं के गिरोह का एक आदमी है सईद अहमद। इसके साक्ष्य के रूप में मेरे पास यहाँ पर उसके खुद के कबूल किए हुए वीडियोस मौजूद हैं, जिस पर वो खुद कबूल कर रहा है कि मैं हसनैन वाकई का मर्डर करवाऊंगा और श्री नसीम अहमद जो कि चेयरमैन सफीपुर हैं उनको फंडिंग करके बचाएंगे। ये मामला है और मामला इसको दीगर तरीकों से तूल देने की कोशिश, असल में मुझ पर कई कट्टरपंथी इस्लामिक तंजीमों का फतवा भी आ चुका है। मामला सिर्फ यह है कि देश के हित में बोलने का नतीजा और देश के लिए बोलने का नतीजा, देश की अखंडता के लिए बोलने का नतीजा आज ये है कि नसीम अहमद जैसे कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले, धार्मिक द्वेष पैदा करने वाले आज मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने नगर पंचायत सफीपुर के चेयरमैन समेत चार लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। सफीपुर में एक मामला आया है जिसमें दो पक्षों में, जो कि एक चेयरमैन का पक्ष और एक दूसरा सफी है, इनके बीच में बहुत दिनों से रंजिश चल रही है और इसी कारण चलते एक गोली चलाने की सूचना आई है, जिसमें FIR दर्ज कर लिया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। विवेचना से जो भी दोषी व्यक्ति पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये सोचने वाली बात है कि जिस यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सांसद तक के प्रतिनिधि पर गोली चलाते हैं, तो वहाँ पर आम जनता की सुरक्षा का क्या ही हाल होगा।